वेलकम टू माई चैनल ऑडी फैमिली। मैं हूँ भावना और आज हम बात करेंगे IUGR बेबीज के बारे में। लगभग हर साल 10 लाख वुमेन्स को IUGR डायग्नोस होता है इंडिया में। आज हम जानेंगे किन रीजंस की वजह से ये हो सकता है और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी क्योंकि मैं भी एक IUGR बेबी की मदर हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रायूटरिन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। जो अनबॉर्न बेबी है उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है कंपेयर टू एक नॉर्मल चाइल्ड के जो कि पेट में है। उसका जो वेट होता है, जो साइज होता है, वो कम होता है एक नॉर्मल बेबी से। दो तरह के IUGR होते हैं, सिमेट्रिक IUGR जिसमें बेबी ओवरऑल छोटा होता है। एसिमेट्रिकल IUGR में आपके बेबी का हेड नॉर्मल होता है, ब्रेन नॉर्मल होता है, बट उसके बाकी का जो बॉडी है वो छोटा होता है कंपेयर टू उसके हेड। मेरे केस में मुझे एसिमेट्रिकल IUGR डायग्नोस हुआ था 33 वीक में, यानी कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। मेरे बेबी का एब्डोमम सर्कमफ्रेंस यानी कि उसका जो पेट था वो 2 वीक से स्लो ग्रोथ कर रहा था। मेरे 7th मंथ सोनोग्राफी रिपोर्ट पर डॉक्टर्स को पता चला था कि मुझे IUGR बेबी है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कहा कि आपका बेबी अंडरवेट है तो आप रिस्क ना लीजिएगा आपके प्रेगनेंसी को एंड तक लेके जाने की, आप सीजेरियन के लिए जा सकते हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसी जगह पे आपकी डिलीवरी करवाइएगा जहाँ पे आपको NICU की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि बेबी अंडरवेट है, अगर अंडरवेट बॉर्न होता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उसके बर्थ के बाद, तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। सो, ये सब सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस से ज़्यादा मैं बहुत कंफ्यूज थी बिकॉज मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं ही थी इतनी। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और डॉक्टर से मिलना चाहूँगी, इसके बारे में मैं जानना चाहती थी। तो मैंने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, मैं उनके पास गई, उन्होंने मेरे पुराने रिपोर्ट सब चेक किए और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डॉपलर टेस्ट करवाइए, उसके बाद ही हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो बेसिकली डॉप्लर अल्ट्रासाउंड में होता क्या है, आपके बॉडी में जो ब्लड फ्लो है वो कितने अच्छे से बेबी को जा रहा है कि नहीं वो देखते हैं, और बेबी के ऑर्गन्स और मूवमेंट कितने नॉर्मल है वो चेक करते हैं। सो, मैंने अपना डॉप्लर अल्ट्रासाउंड करवाया, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई। उन्होंने कहा कि IUGR तो है बट आपके बेबी का ऑर्गन्स और मूवमेंट कम्प्लीटली नॉर्मल है। सो, हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक्स तक लेके जा सकें। और उस वक्त मैं कुछ 34 वीक्स प्रेग्नेंट थी, तो 37 वीक तक लेके जा सके, उसके बाद में हम सीजेरियन करेंगे नहीं तो लेबर इंड्यूस करेंगे। तो ये सब सुन के मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ। तो उन्होंने बोला कि एज ऑफ नाउ आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि बेबी पेट में है, तो हम ट्राई करेंगे 37 वीक्स तक लेके जाने का, उसके बाद में बेबी को बाहर लाने के बाद हम उसे कुछ ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकते हैं। सो, ये सब सुनने के बाद में मेरा जो मेंटल स्टेट था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था, मेरे को नींद प्रॉपरली नहीं आ रही थी। तो और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही थी बाकी तो डॉक्टर से वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत मैटर कर रहा था। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक और डॉक्टर से एक बार मिल लेती हूँ बिकॉज मैं 8 मंथ प्रेगनेंट थी उस वक्त और अभी तक मेरा कुछ डिसाइड नहीं था कि मुझे मेरा बेबी कहाँ डिलीवर करवाना है और टाइम भाग रहा था। तो मैंने एक और अच्छे डॉक्टर के बारे में पता किया और मैं उनसे मिलने चली गई। सो, उन्होंने मुझसे कुछ लगभग 2 घंटे उन्होंने मुझे कुछ कंसल्ट करा था और उस कंसल्टेंट में उन्होंने मेरे पुराने रिपोर्ट्स चेक किए, मेरी डॉपलर अल्ट्रासाउंड चेक की, उन्होंने पूरा केस स्टडी किया मेरा। उसके बाद 30 मिनट्स तक उन्होंने मेरे बेबी के मूवमेंट्स चेक किए कि 30 मिनट्स मेरा बेबी कितना मूव कर रहा है। उसके बाद में उन्होंने मेरा EDD यानी कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो था वो चेक किया, मेरे बेली को मेजर किया हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, उसके बाद मेरा वेट चेक, BP चेक जो नॉर्मली होता है वो सब कुछ उन्होंने मेरा चेक किया। उसके बाद में उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू करी, कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनसे काफ़ी सवाल पूछे। तो ये सब होने के बाद एक चीज़ तो मैं डेफिनेटली श्योर थी कि मेरे को मेरा बेबी यहाँ पर डिलीवर करवाना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स उन्होंने जो मुझसे कहे वो सुनने के बाद मुझ में काफ़ी कॉन्फिडेंट आया था। तो वो पॉइंट ऐसे थे कि उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि हाँ IUGR है बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो EDD है वो 23 मार्च का है और हमारे पास काफ़ी वीक्स है, तो उस टाइम में बेबी वेट गेन करेगा डेफिनेटली। सेकंड कि आपको NICU की फैसिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा
अगर आप 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक पहुंचते हैं, यानी कि पूरा 9th मंथ अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो आपका 3.5 केजी का बेबी होगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक नेचुरली लेबर नहीं आता है हम वेट करेंगे। मुझे ऐसा लगा कि अगर आप ये कंडीशन में या किसी भी मेडिकल कंडीशन में अगर आप फॉल होते हैं, अगर आपको है, तो आपको एक अच्छे और एक पॉजिटिव डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लैक ऑफ डाइट, अगर आपका खाना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी यानी कि आपके बेबी को ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, हाई बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज, अगर आप किसी तरह का मेडिसिन पहले से ले रहे हैं वो भी एक रीज़न हो सकता है, किडनी या लंग्स डिसीज अगर आपको है तो, अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह में इन्वॉल्व है तो भी IUGR केस होता है, ट्विंस या ट्रिपलेट्स अगर आप कैरी कर रहे हैं तो भी IUGR केस होने के चांसेस होते हैं। मेरे केस में जो कॉज था वो था लैक ऑफ डाइट के वजह से, बिकॉज मेरे को बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी, ना डायबिटिक, ना थायराइड, कोई मेरे को ऐसा इश्यूज नहीं थे, मेरे रिपोर्ट्स पूरे नॉर्मल थे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की थी और उस वजह से मेरा डाइट मिस हुआ था और मेरे मेडिसिन भी मिस हुए थे, तो यही एक पॉसिबल रीज़न था जो मैं सोच सकती थी कि जिस वजह से मुझे IUGR हुआ। आपको आपकी डाइट बहुत ही अच्छी रखनी है, आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने मेरे प्रेगनेंसी में प्रोटीन के लिए पनीर यूज़ किया था, मैं दिन में एक टाइम तो पनीर खाती थी। और आपको 2 टाइम दूध लेना है ग्लास भर के और नारियल पानी पीना है, तो ये बेसिक डाइट है जो आप रख सकते हैं जिससे आपके बेबी को काफ़ी न्यूट्रिशन मिलेगा। आपको जो भी आयरन, विटामिन, प्रोटीन पाउडर प्रोवाइड किया गया रहेगा डॉक्टर्स के थ्रू, प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, टाइम टू टाइम आप आपके मेडिसिंस लेते रहिए। IUGR के लिए मुझे कुछ ज़्यादा मेडिसिंस प्रोवाइड नहीं की गई थी, सिर्फ 2 मेडिसिंस मुझे दी गई थी, उसमें से पहली थी एमिनोफिट ब्लड फ्लो के लिए और दूसरी थी आर्जिप्रिक सैचेट, वो भी ब्लड फ्लो के लिए था। और बाकी मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी, उसकी वजह से मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। नेक्स्ट है कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहिए, जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, वो आपका बॉडी फास्ट हील करने के लिए हेल्प करेगा। आपको लेफ़्ट साइड में सोना है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो आपके बेबी को ब्लड फ्लो अच्छे से जाता है, और मुझे भी मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि मैं लेफ़्ट साइड सो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बेबी का मूवमेंट काउंट होना, आपको पूरे दिन में एक जगह पर शांति से बैठ जाना है 1 घंटे के लिए, आपके पेट पर हाथ रखिए और आपके बेबी के मूवमेंट को काउंट कीजिए और कहीं पर आप नोट कीजिए, पेपर या बुक जो भी आप मेंटेन कर सकते हैं, आपको उस दिन का डेट लिखना है और किस टाइम पे आपने काउंट किया है वो टाइम लिखना है। ऐसे आपको डेली करना है। 10 मूवमेंट्स तो होने चाहिए, अगर 10 से कम या बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं है तो आप आपके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में किक काउंट ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दूँ, उस ऐप के थ्रू भी आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे कोई भी मेडिकल कंडीशंस में आते हैं तो सबसे पहले आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना सीरियस है आपका प्रॉब्लम उस बेसिस पे आप नेसेसरी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आपके डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि वही आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे। IUGR में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने पड़ते हैं आपके बेबी की इम्प्रूवमेंट देखने के लिए, तो मैंने भी अपने लास्ट के मंथ में 4 से 5 डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाए थे, जिसका कॉस्ट मुझे 2,800 से 3,000 के बीच में आया था प्राइवेट क्लिनिक में। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई 18 मार्च 2020 को। मेरा बेबी अंडरवेट नहीं था, उसका वेट उस वक्त 3 kgs था, ना ही मुझे NIOC की ज़रूरत पड़ी और वो कम्प्लीटली हेल्दी और नॉर्मल था। अगर आपने ये वीडियो इतनी दूर तक देखा है, मतलब आपने आपका टाइम मुझ में इन्वेस्ट किया है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।